आज भाई अपने 5 AM चैलेंज का डे 5 फ्रेश वगैरह हो गए 5:30 बजे में हेलो अक्षांशु, आई एम रोहित अशोक फ्रॉम स्कूप वूप ओके टेस्टेड. वी हैव अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 1.73 मिलियन सब्सक्राइबर्स. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स एंड वी लाइक योर वाइब. प्लीज लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड. थैंक्स फॉर रीचिंग आउट एंड दिस कोलैब थिंग साउंड्स गुड टू मी. हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू अक्षांशु. कैन आई कॉल यू टुमारो अराउंड 12 PM टू डिस्कस अबाउट द सेम. What's up guys, welcome back to another mukbang. तो भाई आज मेरे साथ हैं ओके टेस्टेड के दो काफी प्रसिद्ध एंकर्स. एक का नाम है कौस्तु, एक का नाम है भाई विवेक. आप ऑलरेडी इन दोनों को जानते ही होंगे. और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ओके टेस्टेड के साथ एक कोलैबोरेशन वीडियो बनाने का. हमने इनके चैनल के लिए ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है जो आई बिलीव अभी तक इनके चैनल में आ चुका होगा. अगर नहीं देखा अभी तक तो प्लीज इनके चैनल में जाके देख लो. आज का वीडियो अपन सिंपल रखने वाले हैं. भाई आप सब कुछ मेरे बारे में ऑलरेडी जानते ही हो, तो आज हम बात करेंगे ओके टेस्टेड की टीम के बारे में. साथ ही साथ रही खाने की बात, तो पहले हम इनके फेवरेट आइटम्स ट्राई करेंगे, उसके बाद मेरे फेवरेट आइटम्स ट्राई करेंगे, उसके बाद हम अपने कौस्तु भाई के फेवरेट आइटम्स ट्राई करेंगे और उन सबके बीच में एक बढ़िया सी कॉन्वर्सेशन रखेंगे. चलो स्टार्ट करें फिर. चलो जो वेट, किसका वेट कर रहे हो? मैं आऊं क्या अपनी पे? ये तो खली की चड्डी लग रही है. हद में रहना मेरे साथ कौस्तु. तुमने टट्टी भी खा ली होगी भाई, ये तो बहुत बढ़िया है. ये खा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल खाओ यार. दिस लुक्स रियली गुड. ओके टेस्टेड. मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, तुम लोगों का इतना बुरा टाइम चल रहा है, मेरे साथ वीडियो कर रहे हो यार. तो भाई ये आ चुके हैं अपने सामने आइटम्स जो विवेक भाई के फेवरेट हैं, अपार्ट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जो कि मेरे भी फेवरेट लग रहे हैं. क्या बात कर रहे हैं. मैं बता सकता हूँ पहले कि ये कहाँ से आया है? ये कॉल छोटू से आया है. बाकी ये मिस्टर के रामेन का लग रहा है मुझे. यार मिस्टर के रामेन का नहीं है, मिस्टर के रामेन यहाँ पे डिलीवर नहीं करता है. लेकिन उससे क्लोजेस्ट जो मुझे रेस्टोरेंट मिला था सोल बीटे से मंगवाया शिन रामेन. And this is my favorite dessert, which is blueberry cheesecake. Oh. चलो anyway, सबसे पहले अपन ये स्टार्ट करते हैं. कहीं से भी स्टार्ट करो. लीजिए सर, सबसे पहले आप. अरे देखो देखो, दरिंद की चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीला. खुशी तो देखो. भाई तुम मुंबई में रहे हो, ये तुमको कितना क्लोज लगा मुंबई के फ्लेवर? ना मुंबई का वड़ा पाव नहीं खाता हुआ. तो मुंबई का क्या खाते हो? समोसा पाव. समोसा पाव मैंने देखा है, नोटिस किया है. मुंबई में अभी गया था मैं शूट के लिए, गणपति मैंने कवर किया था. नहीं देखा वीडियो प्लीज जाके देखो, हमने गणपति विसर्जन कवर किया. हाँ. और वहाँ पे जो लोग समोसा पाव ले रहे हैं वो लोकल लोग ले रहे हैं, वड़ा पाव ले रहे हैं बाहर के लोग आके खा रहे हैं. बट एनीवे भाई ये बहुत ही ज्यादा गजब हो रहा है. अंदर का जो मसाला आई कैन टेल यू कि वो काफी ज्यादा ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा क्लोज है अपने मुंबई के मसाले से. तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा. पता क्या ये वो चीज है कि शुरू मजबूरी में गए थे, फिर मजा आने लग गया. फिर मजा आने लग गया. इसे कितने का पड़ा था ये? 227. प्राइस के हिसाब से भी बढ़िया है, ठीक है. मतलब बहुत सस्ता भी हो सकता है क्योंकि यूजुअली वड़ा पाव बहुत सस्ते आते हैं. तो चलो इसी के साथ एक जरा मैं क्वेश्चन भी आप दोनों से पूछना चाहूंगा. सेम क्वेश्चन रहेगा दोनों के लिए. अगर आप दोनों भी ऑप्शन मिले कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ किसी यूट्यूबर से एक दिन के लिए स्वॉप करने का, हु वुड दैट बी? वैसे तो आइडियली आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग और मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी से स्वॉप करना चाहूंगा. लेकिन अगर गिवन एन ऑप्शन तो मेरे ख्याल से सतीश श्रेय मेरे को सही लगता है. सतीश श्रेय इज इंटरेस्टिंग है. उससे अभी मैंने अभी कन्वर्सेशन भी किया था एक वीडियो के लिए, कोलैबोरेशन किया है. तो इज अ वेरी नाइस पर्सनैलिटी, आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम. तो वही है, बाकी जब तक मैं किसी को पर्सनली ना जानूंगा तब तक मैं वैसे स्वॉप शूज पे नहीं जा सकते. चलो वेरी नाइस. आप मेरा आंसर होगा मिस्टर बीस्ट. की सारी वीडियोस मुझे अच्छी लगती है और इंडिया में उसी के कॉन्सेप्ट पे बहुत लोग उस वैसे टाइप की वीडियोस बना भी रहे हैं. लेकिन वो इंसान एक तो यूट्यूब में आज की डेट में सबसे टॉप पे, कहां से आइडियाज लाते हैं, कैसे करता है, क्या बजट होता है, वो क्या सोच होती है कि उसका हर वीडियो एकदम सही निशाने पे लगता है. तो मुझे उस इंसान की ना साइकी जाननी है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है. तो एक दिन मैं उसकी जिंदगी जीना चाहूंगा फिर वापसी आगे अपना यहाँ काम स्टार्ट करना चाहूंगा. ओके डस्टेड रेजिग्नेशन डाला तुरंत, अपना एक नया चैनल एल्गोरिथम में पेल रखा है. आप बताएं. Nice. मैं केसी नाइस्टेड. अरे वाह. कुछ भी किसी भी बात में मेरा वो ही रहता है, केसी नाइस्टेड. वो बंदा भाई गॉडफादर ऑफ फिल्म मेकिंग बोला जाता है, यूट्यूब फिल्म मेकिंग. थोड़ा बहुत फीचर्स मैच खाते हैं. चलो आए शिन रामेन में. एक कोरियन रामेन आती है शिन नाम से. हाँ. तो उसका इन्होंने इसमें बाकी चीजें डाल रखी है. शिन रामेन की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका जो पहले तो ब्रॉथ टेस्ट करो, ब्रॉथ टैंगी और स्पाइसी, मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं कि तुम्हारी बैंड बज जाए और इतना कम भी नहीं कि मजा भी ना आए. इट्स समवेयर इन द मिडिल. ये पीनट आ जा रहा है भाई, वो कह रहा मेरे को भी लो. पीनट नहीं है, सैलरी हमारी.
और मसालेदार हो सकता था। मेरे को स्पाइसी बहुत पसंद है भाई। मुझे शिन रामेन सबसे ज्यादा पसंद है, मिस्टर के रामेन। हाँ, साथ में गए थे। I like that. आप जाओगे मिस्टर के रामेन तो वहाँ पर बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है, वहाँ पर एक बंदी जो है मुकबैंग करती रहती है। अच्छा। बड़ी सी नूडल वाली प्लेट होती है और वो खाती रहती है पूरे टाइम। उसको मैं देखता नहीं हूँ, देख लेता हूँ फिर मेरा पेट भर जाता है। और मैं वहाँ खाने आया हूँ स्पेशली यार। भाई लेकिन उस जगह की सबसे खास बात यह है कि वो ऐसा लगता है तुम मिनी कोरिया पहुंच गए हो। आई लव कोरियन कल्चर। मुझे ऐसा लगता है पिछले जन्म में कोरियन रहूंगा या जापानीज रहूंगा। बालों से मुझे भी लगता स्किन देख के नहीं लगता। आपने ट्राई नहीं करा? मैंने ट्राई करा, नूडल नहीं करा। काफी है मेरे को, उससे बेटर तो नहीं लगा। हाँ, तो इसको सबसे ज्यादा देसी ही चीजें पसंद आती है। ऐसा नहीं है, मेरे को ऐसे लेबनीज भी पसंद है। लेबनीज है लेस्बियन। तो भाई अपन जरा इसको, अरे भाई ये क्यों कर रहे हो अपने साथ यार, ये फूड ब्लॉगर्स। जब ऐसे कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ कभी कभार कुछ बेहतर निकल जाता। तो अभी वैसे चीज केक भी है इसके साथ, ये भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मेरा कजन था बचपन में मिट्टी खाता था। बचपन में तो सभी खाते हैं ब्रो। मैंने आज तक नहीं खाया। मैंने एक पता ही नहीं होगा तुमने टट्टी भी खाई होगी भाई। A few moments later. तो हम बढ़ते हैं विवेक भाई के फेवरेट डेजर्ट की तरफ, विच इज ब्लूबेरी चीज केक फ्रॉम चीज केक एंड को। वेरी नाइस भाई। ये ब्लूबेरी चीज केक नहीं है, एफ्रोडिजियाक है। इसको खा के ना ऑर्गेज्म रिलीज होते हैं। सही है, सुहागर आपने बेकार में दूध पी। चीजें ऐसी होती है ना, मतलब खाने के बाद ना एक दूसरी दुनिया में खो जाते हो। ऐसा होता है कि कुछ बोलो ही ना यार, ये तो गुड नाइट हो जाएगी अभी, है ना भाई। इसका मजा सबसे ज्यादा आता है जब एकदम ये रॉक सॉलिड होता है, एकदम फ्रिज से नया नया आता है। इसको तोड़ने में जब एफर्ट लगता है तब गुस्सा आता है, लेकिन जब खाओगे ना वो एक एक फ्लेवर, नीचे बिस्कॉफ का फ्लेवर, चीज का फ्लेवर, ऊपर से ये तुम्हारा ब्लूबेरी का फ्लेवर, अलग अलग फील हो रहा होता है और एक साथ मिक्स जब होता है ना तो वो भाई खाओ तुम यार। न्यूयॉर्क चीज के। जब तक खाना आ रहा है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाए। आपकी टीम में से कुछ लोगों ने अपना अलग स्टार्ट कर दिया है, आप लोगों को किस चीज ने रोक रखा है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ जो होगा आफ्टर ओके टेस्टेड, दैट कैन बी स्टैंड अप कॉमेडी। आई एम वर्किंग ऑन इट, लेट्स सी हाउ इट गोज, इफ इट्स फॉर मी और नॉट। आई मेड अ बकेट लिस्ट फॉर मायसेल्फ, फिर वही लिस्ट मैंने अपने लोगों के साथ भी ऐसे शेयर करी कि भाई मेरे को ये करना है। जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि जब तुम्हें ये सब चीजें करनी है तो तुम हमारे साथ ही कर लो ना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हमारे वीडियो में व्यूज आ जाएंगे। तो उस बहाने मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की, जैसे बंजी जंपिंग मुझे करनी थी उसके ऊपर वीडियो बना, मुझे कुंभ मेला जाना था कभी नहीं गया। मैं इतना नहीं सोचता कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है, आप सैचुरेट हो जाते हो एक जगह काम करते करते, तो मैं अपनी वापस बकेट लिस्ट खोलता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि अभी ये चीजें तो रह गई हैं। ऐसे ही लाइवली फील करते हैं। अगर इसको कोई रियलिटी शो करना हो तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा शो आता है? खतरों के खिलाड़ी। मेरा तो बिग बॉस आता है भाई, ये बंदा बिग बॉस के लिए एप्ट है। वो सोचो सलमान भाई मेरे को चिल्लाए बोल रहा है, यू मैं आऊं क्या अपनी पे? मैं क्या बोलूंगा मालिक, मालिक मेरी मम्मी आपका शो देखने मालिक, इस बार माफ कर दो। अरे वाह, ऐसा लग रहा है ससुराल आया हूँ दामाद जी। मैं तो शर्मा जाऊंगा ये सब खा के, ये तो खरी की हड्डी लग रही है। हमारे सामने है सेंटर में अंबरसर की दाल बुखारा जो कि मेरी फेवरेट है भाई, साथ में इनका फुल अनकट बटर नान। बर्गरामा का एक बर्गर है, नाम आपको नीचे कहीं दिखाई दे रहा होगा। साथ में मेरे पास अल्फ्रेडो फेटुचिनी, डाइव इन टू दिस। प्योर दिल्ली डाइट की पहचान यही है कि आपको नाश्ते में आलू पराठा और दिन के खाने में बटर नान और ये दाल। मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। क्या बात बोलो, तिल कितने का है भाई? 450 अराउंड रहेगा। वन मोर क्वेश्चन, मान लो एक स्क्विड गेम वाली सिचुएशन है आप लोगों के सामने, आप लोगों की टीम है ओके टेस्टेड की, आप पे एक ही ऑप्शन है कि आप एक बंदा या फिर बंदी को बचा सकते हो, हु वुड दैट बी अपार्ट फ्रॉम यू गाइस? किसको बचाऊंगा मैं, बाकी सब मर जाएंगे क्या? हाँ यार मरना तो देखो कोई नहीं चाहिए। अगर मरने की नौबत है तो फिर तो मैं गणेश को बचाना चाहूंगा, क्योंकि गणेश ने एक बार मेरे को मरने से बचाया था। बहुत ही कम लोगों को पता ये चीज है, बट हम लोग देर रात शूट करके वापस आ रहे थे, गणेश सामान उठा के बस मुड़ा ही था, वो देख रहे कि बस आ रही है और मैं बिना देखे आगे बढ़ रहा हूँ, तो गणेश ने आवाज आई कौस्तुभ इधर से बढ़ना, यहाँ से गई है बस। वो भी पॉज, मैं भी पॉज, कह रहा भाई मैं आवाज लगा नहीं लगा था तो गया था। मैं टेंजिंग को बचाना चाहूंगा कि टेंजिंग बहुत प्यारी है, वो मेरी जूनियर हुआ करती थी, उसके अंदर ना 1% भी ना ऐसा मलिशियस थॉट नहीं आता है। वो किसी के बारे में ऐसा उल्टा नहीं सोचती है, डजंट मीन कि सब सोचती है। तुमने सबके बारे में बता दिया। मैंने मतलब नहीं, अबे पागल है क्या, अबे साले। होपफुली वो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को,
नहीं देखेंगे तो ये शेयर जरूर कर देना उन्हें। या शी इज वेरी स्वीट बट उसने मेरी जान नहीं बचाई था, सॉरी डांसिंग। अब क्या खाना है? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। यार सॉरी यार, मुझे काटना नहीं आता। अच्छी बात है। मैं एक्चुअली बर्गर आमा बहुत ज्यादा खाता था पहले, क्योंकि इसके अंदर कैमरलाइज्ड अनियंस होते हैं, मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन एक टाइम के बाद कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा है लेकिन इट्स नॉट एज गुड एज अदर बर्गर्स दैट वी ट्राइड, और वो उसमें से एक बर्गर है जो आजकल मैं हल्क बर्गर बहुत खा रहा हूँ। तो गाइज ये रहा अल्फ्रेडो फेटुचिनी, जिसका बेस्ट पेयर मैं मानता हूँ इसका होता है अपना नेपोलिटानो बेस्ड पिज्जा के साथ। पिज्जा के ऊपर रखे, पिज्जा के ऊपर रखे, उसके ऊपर आप चिली ऑयल डालो थोड़ा सा, या फिर ऑलिव ऑयल जो भी अवेलेबल हो। मार्गरीटा पिज्जा, मार्गरीटा, प्लेन मार्गरीटा पिज्जा, वुड फायर्ड बेस्ड। ओके सो गुड भाई, सो क्रीमी, सो स्मूथ। तो जो अपना पेने होता है ना, पेने में कई बार जो क्रीम होती है, जो सॉस होता है, वो अंदर अंदर तक नहीं जाता है और वो इवनली कुक नहीं होता है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ फ्लैट ब्रेड जिसको काट देते हैं, तो इवनली सॉसेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भाई वो फील हो रहा है, लाइक हर एक बाइट में ना स्मूथनेस हो रही है, एक ऐसा लग रहा है फ्लर्ट कर रही है मेरे साथ ये, और मैं इंप्रेस हो रहा हूँ हर लाइन के साथ। अगर आप पक चुके हो बाकी अल्फ्रेडो के साथ, यू शुड ट्राई दिस, दिस सो गुड मैन, सो गुड। ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या यार किसके खिलाफ तुम कम्पीट करवा रहे हो? भाई दोनों की कांटे की टक्कर है ये, इनके बीच में कंपटीशन है ही नहीं। चलो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। तो भाई दिस इज लोटस बिस्क ऑफ चीज केक एंड आई होप ये अच्छा हो। हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए भाई ये कल रात को मैंने मंगा दिया था। कल रात का ये? हाँ, फिर गुड़गांव में इसको फ्रिज में रखा, फिर गुड़गांव से 1.5 घंटे ट्रैवल करते हुए हम इसे गाड़ी में लेके आए हैं, इसको उस हिसाब से जज करें। ओके ओके भाई, दिस इज गुड। फील्स लाइक पहली बार जब आप अपनी क्रश से बात करते हो ना, जो मुझे लगा पहली बार तुम कुछ कर रहे थे। पहला प्यार तो फिर ब्लूबेरी चीज केक ही है, पर्सनल प्रेफरेंस। भाई ये ना फैल रहा है, लेकिन आई बिलीव एक अपनी अच्छी चीट मील को एंड करने का बेस्ट तरीका चीज केक ही है। ये कहाँ से? चोको आमा। चोको आमा, तो ये एक दिन पहले क्यों खरीद लिया? क्या डिलीवरी नहीं हो सकता था? फुल केक नहीं देते। अच्छा अच्छा, डिलीवरी में बहुत दूर है वसंत कुंज वहाँ से, डैमेज हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। ये है पैशन भाई, ये तो वर्थ इट है ये उसके। ये एब्सोल्युटली। तो आपको कैसा लगा पूरी जो टेबल आपने लगा रखी थी? बहुत मजेदार थी। वो बर्गर थोड़ा सा चपली हो गया था। हाँ मुझे तो मजा आया। मुझे तो नंबर वन पे मैं ये दाल बुखारा और ये नान रखूंगा, नंबर टू पे मैं ये चीज केक रखूंगा, नंबर थ्री पे मैं अल्फ्रेडो पास्ता रखूंगा, और नंबर फोर रखने की जरूरत नहीं, रखने की जरूरत नहीं। बर्गर आमा, आई एम सॉरी, आपको बहुत एंजॉय किया, लेकिन अब आपका टाइम चला गया, सॉरी। एक क्वेश्चन ले लें, इनिशियल अपना जॉब बता दो कि आप किस डेजिग्नेशन में आए थे आप दोनों इस स्कोप वूप की टीम में? मैं तो आया था जूनियर प्रोड्यूसर। अच्छा, मैं जूनियर प्रोड्यूसर बन के आया था। आपने एक्सपीरियंस क्या दिखाया था अपना यहाँ? मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था ब्रो। अच्छा, ये मेरी पहली जॉब है। तो आपका? मेरे को अपनी लाइफ में जो जो नहीं करना था ना वही करने लग रहा हूँ मैं। मेरे को लाइफ में एक्टर बनना था, एक्टिंग की वो स्किल सीख ली थी, लेकिन ये नहीं पता था कि बनते कैसे हैं। कूप कूप के मैं आर्टिकल्स बहुत ज्यादा पढ़ता था, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि भाई इस कंपनी के साथ ना शायद कुछ कर सकता हूँ मैं। मुझे पता चला कि जिस के साथ मैं 2 साल से काम कर रहा था, उसका भाई स्कूप कूप में जॉब करता था एज अ डायरेक्टर, तो इट वॉज डेस्टिंड। मैंने कहा भाई इंटर्नशिप दिलवा दे अपने भाई को बोल के, फिर उसने बोला हाँ इंटर्नशिप है, चला जा। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई वॉज वर्किंग इन जनपैक्ट नाइट शिफ्ट में, और दिन में यहाँ पे काम करता था। अच्छा। तो मैं सोता था 2-3 घंटे मेट्रो में, फिर मैं स्क्रिप्ट लिखने लग गया, फिर धीरे धीरे करके डायरेक्शन करने लग गया। नॉन फिक्शन में इंटरेस्ट नहीं था, वो किया। एंकरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, उसमें भी घुसाना स्टार्ट कर दिया। जो उन्होंने लिखा है ना होगा वही। इतने स्ट्रगल के बाद तो कुछ अच्छा भी कर सकते भाई। मजाक कर रहा हूँ। क्या क्या है? ये है यारा का ढाबा, जो कि हमारे ऑफिस के जस्ट नीचे है। अरे अच्छा, ये मैंने ही एक्सप्लोर किया और सबको एक्सप्लोर करवाता हूँ मैं। और ये है पालक पनीर, पूरे दिल्ली में मैंने ऐसा पालक पनीर नहीं खाया। ये लच्छा पराठा इसके साथ, क्योंकि ये मैदा फ्री होता है, आटे का होता है। ये हमारा हमस एंड पीटा ब्रेड, जिसके अंदर खूब सारे वेजिटेबल्स है। ये केटर्स पॉइंट से मंगाया है। ये है केसर मलाई चौम चौम। ये है पंडित सियाराम स्वीट्स का, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका खाना। और इसके बारे में कुछ बताओ। और ये है मजबूरी फ्रूट कस्टर्ड होने वाला था, फिर एकदम से मेरे को रियलाइज हुआ मेरे को फ्रूट बहुत पसंद है। दो ऑप्शन है हेल्दी वाले, दो
ऑप्शन है अनहेल्दी वाले, तो मैं इनके बीच में डोलता रहता हूँ। पहले उसी को ट्राई करके साइड कर देते हैं। काफी सिमिलर रहे हैं फ्रूट से। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ों से तोड़ के लाया गया है। इंसान को हर रोज एक फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा बनोगे। आप मीठे बनना चाहते हैं? इससे स्टार्ट करते हैं। ये दो अलग अलग टाइप के पीटा ब्रेड क्यों हैं? ये ब्राउन ब्रेड वाली है, ये व्हाइट ब्रेड वाली है। ये उनका शौक है, वो करते हैं। मैं इसमें आर्ग्यू नहीं करता हूं भाई। ये ब्राउन वाला लेकिन ज्यादा टेस्टी हो रहा है ना। तुमने ट्राई करा है? ब्राउन वाला नहीं ट्राई किया, ये वाला ट्राई कर। है ना, ये ज्यादा बेटर, ब्राउन ज्यादा बेटर है, बट ये ऑथेंटिक हमस नहीं है। मैं वही सोच रहा था इससे बेटर हमस शायद मैंने खा रखा है, बट ये डिफरेंट है। ये वो फूड है जिसको खा के आप एकदम हैवी फील करोगे। हाँ, बिल वेरी लाइट है ना। आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस वन मोर क्वेश्चन। मतलब आप दोनों भगवान पे कितना विश्वास रखते हैं? तो मैं एक सॉलिड पहला डायलॉग मांगूंगा फिल्मों वाला, कि मैं भगवान पे विश्वास रखने में इतना बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि भगवान का मुझ पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए। आज से 4-5 साल पहले ना भगवानों में इतना बिलीव करता नहीं था, बट धीरे धीरे करके जब चीजें होती है, तुम्हें कुछ रियलाइजेशन होता है अंदर से, तुम्हें एक मुझे कनेक्ट फील होता है शिव जी को देख के। अब मेरे साथ ना ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीज होती है, मैं सीधा महादेव को थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू ऐसा मेरे साथ करने के लिए। कुछ बुरा होता तो थैंक यू भाई बचाने के लिए। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। पालक पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आ जाइए भाई, इसमें जो तड़का मारा है ना, किस मिर्ची का तड़का है उसका ही मेन फ्लेवर स्पाइसी है। तो फिर अंजाम तक पहुंचे, अंजाम तक पहुंचते हैं। ये है केसर मलाई चॉमचॉप फ्रॉम पंडित सियाराम स्वीट्स, आई लाइक इट। भाई साहब बात तो है, अगर कभी कोलकाता जाओ बालाराम मलिक से बेक्ड रसगुल्ला तो जरूर ट्राई करना। बेक्ड रसगुल्ला मैंने वैसे खा रखा है, लेकिन जहां का आप बोल रहे हो बालाराम मलिक का बेस्ट है। लिटरली ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर मैं इसका एक खा लूंगा फिर मेरे को बेड चाहिए सोने के। भाई चाहिए मुझे अभी चाहिए। बेड मंगवा सकते हैं क्या सोमाटो से? आपका फेवरेट क्या रहा इन तीनों में? इन तीनों में से मेरा फेवरेट तो केसर मलाई चमचम रही। मेरा भी वैसे ही, मैंने ये बहुत खा लिया अपनी जिंदगी में। अब आप उब चुके हो इससे, थोड़ा सा उब चुके हो, मेरे फ्रिज में अभी भी रखा हुआ है। ये भाई हल्क्स बर्गर 270 का बर्गर है, पूरा नंगा कर दो यार इसको। ये देखिए कैसा लगा है, नहीं रिव्यू अमेजिंग, हम तो खाते ही रहते हैं। क्या था ये नाम? गार्डन फ्रेश बर्गर। इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है? ये पोटैटो पैटी है, इसके अंदर ऐसे आपके वेजिटेबल्स भी हैं, पीस, ज्यादा वेजिटेबल्स में कैरेट भी होता है। फ्राइज काफी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं, सॉल्टेड फ्राइज, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि लोग मंगा रहे क्यों, क्योंकि जब मंगा रहे हैं तो ये सॉगी जाते हैं। जब आप 2-3 लोगों के साथ बर्गर खा रहे हो ना, तो सब नजर मार रहे होते हैं, तो ये नजर वालों का वो खा लेते भाई। मैं धसता जा रहा हूँ यार। इसका टेस्ट ऐसा है बेहतरीन काफी ज्यादा, मेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हम ऑलरेडी इतना कुछ खा चुके हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप बहुत कुछ खा लो तो बाय द एंड ना आपको बस नमक का टेस्ट आता है और कुछ नहीं। भाई हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, इनके दिमाग में एक आइडिया है कि एक बाइट में सब कुछ डालो। देखो कैमरे में आ रहा है ना, पूरा बाइट खा गया क्या ये? पूरा बाइट खा गया? एक बार अपना प्लीज एक्सप्रेशन तो दो यार, थोड़ा फुटेज खाओ, टेस्ट तो बता कैसा। अभी बताएगा ये टेस्ट कैसे बता देगा? अभी कैसे बताएगा? अभी अगर बता दे तो हमें भी टेस्ट आ जाएगा। सबसे ज्यादा चीज पता क्या चली इतना सारी चीजों में, क्या चीज तुम्हें ज्यादा एविडेंट हो रही थी? क्या ये तो वो आ गई, मजा आ गया यार आज के वीडियो में। आज की वीडियो में मुझे लिटरली लगा था कि इतना फन होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे ही आ गया था। क्या उम्मीद हार के आया था? मैं अनप्रिपेयर्ड हो गया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ये दोनों इतने ज्यादा कोऑपरेटिव होंगे और इतना ज्यादा पूरा इन्होंने अपना वीडियो में जान डाली है। फाइनली आई थैंक यू गाइस फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू अक्षांशु, मजा आ गया। तो भाई ये चोको आमा और हमारी साइड से ओके टेस्टेड के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई छोटा सा एक ये हैम्पर है इसकी भी क्या? अरे भाई कॉस्टो को रुला के मानोगे क्या? ये चोको आमा के भाई अपनी कुकीज है और उनका ये ब्राउनीज है और ये जार केक है। चुकंदर का कुकी भी है यहाँ पर, ये बीटरूट का कुकीज भाई,
भाई तू तो बहुत तगड़ी चीजें ले आया है। अरे भाई इनके लिए चीज केक लाओ ना, जब ये आए हुए हैं। बैठोगे? बैठो कोई भाई, मैं ये खा रहा हूं। चिकन क्यों है भाई? ये तो बहुत ही सही है भाई। ये तू ले गया है? हां अरे हां क्यों भाई? भाई ये वीडियो था। ये देख भाई, दिस लुक्स रियली गुड। ओके नेक्स्ट। ओ बहुत यार, हमने कुछ नहीं दिया ऐसे यार, कुछ तो दो। भाई खाने की कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, ऐसे चैनल डाउन बॉल में चलते हैं। उंगली में करता रहा ये लोटस बिस्कुट, लोटस बिस्कुट चीज केक, ट्राई इट, क्रीमी लाते। ये तो बहुत बढ़िया है, ये खा सकते हैं। हां हां बिल्कुल खाओ यार, लो ट्राई करो। मेरे भाई मेरे तो क्यों ऐसे ले लेता हूं भाई, मैं क्या कह रहा हूं, इसे छोड़ ब्रो। ये क्या सामान ले गया है भाई तू? ले गया बड़े वाले सही लड़का यार भाई। यार नो भाई, अपना चैलेंज छोड़ दे, मास्टर खेल तो होगी भाई। जैसे वो नहीं होता एनआरआई अंकल जो के दिया गया है, तो मैं ऐसे लूंगा फर्स्ट। जब यूएस से वापस फिर तो मैं खा ही नहीं सकता। कलर थीम फॉलो की गई है भाई? हां कलर थीम फॉलो की है, रेड एंड येलो। वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। नाइस नाइस भाई, लास्ट अब बस बात का हो गया। थैंक यू भाई अक्षांशु, अक्षांशु भाई चीयर्स। ऑल थैंक्स टू आवर चोकोआमा जिन्होंने इतने डिलीशियस चीज़ें बनाई हैं भाई ओके टेस्ट। तो भाई ओके टेस्टेड के साथ भी हमने एक वीडियो किया है, वो आपको ओके टेस्टेड के चैनल में देखने को मिल जाएगा। उसमें कौस्तुभ भाई ने डायरेक्ट करा है और विवेक और मैं रहे हैं एज अ होस्ट। एंड कीप वॉचिंग ओके टेस्टेड, कीप वॉचिंग अक्षांश वाज। और अगर टाइम मिले तो शांत पाड़ी भी देख लेना। अरे हाँ, अपना प्रमोशन अपना भी करना। चलो गाइस पीस।